नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे क्या यहाँ हम देखेंगे कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने बुलेट्स देना होता है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो इसके आगे अगर हमें पॉइंट लगाना है, कोई बुलेट्स देना है, जिन्होंने वर्ड चलाया होगा वो बुलेट्स के बारे में जानते हैं। तो ये जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माय नेम इज एक्स वाई जेड, इसके आगे कोई बुलेट्स देना है तो यहाँ पे हम ये बुलेट दे सकते हैं, ये आ गया। अब इसमें खास क्या है, स्पेशल क्या है, ये तो नॉर्मल पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। अगर आपको खुद से नया कोई बुलेट देना है, कोई इमेज या चित्र या किसी की पिक्चर या कोई सिंबल लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्रॉस का सिंबल लगाया है तो ये ओके कर दिया और ये आ गया। और आप इस बुलेट की जगह कुछ नया अपनी इमेज या बुलेट्स पे जाएंगे, बुलेट्स के ड्रॉप डाउन आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे और इसकी जगह एक पिक भी रख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पिक ला सकते हैं, फिलहाल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, और वर्क ऑफलाइन अगर आपके लैपटॉप में कोई पिक है तो वहाँ से ला के डाल सकते हैं। जैसे कि मेरी पिक है, मैंने क्लिक किया, ओपन किया, इंसर्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए, ये मेरी पिक एज ए बुलेट आ गया है यहाँ पे, और जब भी मैं नीचे चेंज करूँगा तो ये मेरी पिक आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बुलेट्स चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। कभी कभी बहुत ही लंबी शीट बन जाती है, बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ, बहुत ही लंबी लंबी टेबल्स बन जाती है और आपको धीरे धीरे करके एक एक करके अप डाउन करने में बहुत समय लगता है। अगर आपको पहले नंबर से सीधे नीचे आना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके नीचे वाली डाउन वाली एरो प्रेस करेंगे तो आप सबसे नीचे पेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है। दोबारा कंट्रोल प्रेस करके अप करेंगे, अप वाली एरो प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट एरो क्लिक करेंगे तो सबसे राइट में पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे कंट्रोल को प्रेस करते हुए तो लेफ्ट में। तो ऐसे हम अप और डाउन बहुत ही तेज़ी से सबसे ऊपर या नीचे या सबसे दाएं या सबसे बाएं कैसे जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ अप की एरो या डाउन की एरो, ठीक है, या राइट की एरो या लेफ्ट की एरो, ठीक। अब हम ये देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जैसे कई सारी स्लाइड्स रहती हैं, ठीक है, अब इसमें तो तीन ही हैं। जब कभी बहुत ढेर सारी स्लाइड्स रहती हैं और आपको जल्दी जल्दी देखना है और आपके पास समय नहीं है तो आप इनको जो है यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखेंगे स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है सब छोटे छोटे स्लाइड्स दिख जाएंगी और आप जो है जल्दी जल्दी इन्हें देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। और यहाँ दूसरा आता है रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरे फुल व्यू में आ जाएंगे और आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं राइट या लेफ्ट एरो से, ठीक है, और जल्दी जल्दी देख सकते हैं और अप डाउन से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। धन्यवाद।